फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिक्रैक। फ्रेंड्स आज हम लोग सर्जरी के एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ट्रेकियोस्टियोमी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हमें ये ट्रेकियोस्टियोमी पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए एग्ज़ाम में आ सकता है। तो चलिए हम लोग ट्रेकियोस्टियोमी के बारे में पूरा जानकारी लेते हैं। ट्रेकियोस्टियोमी जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये दो बार पूछा जा चुका है और इस क्वेश्चन के आने की संभावना ज़्यादा है। चलिए इसके आंसर पे चलते हैं हम लोग। ट्रेकियोस्टियोमी इज ए सर्जिकल प्रोसीड्योर्स इन विच एन ओपनिंग इज मेड इनटू द ट्रैकिया। ट्रेकियोस्टियोमी में एक्चुअली हम लोग ट्रैकिया में एक ओपनिंग करते हैं, छेद करते हैं और उसके थ्रू एक ट्यूब डालते हैं। इंडिकेशन क्या है, किस कंडीशन में हम लोग ट्रेकियोस्टियोमी करते हैं, इंडिकेशन का मतलब हुआ लॉन्ग टर्म कंटिन्यूस मैकेनिकल वेंटिलेशन। ज़्यादा देर के लिए हमको वेंटिलेशन करना है पेशेंट को तो हमको ट्रेकियोस्टियोमी करना पड़ेगा। क्रोनिक अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, अगर अपर एयरवे ऊपर हमारे एयरवे के ऊपर वाले भाग में अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है तो बहुत ज़्यादा दिन से ऑब्स्ट्रक्शन है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन है तो हमको ट्रेकियोस्टियोमी करना होगा। प्रमोटिंग ऑफ पल्मोनरी हाइजीन, पल्मोनरी हाइजीन को मेंटेन करने के लिए, पल्मोनरी हाइजीन को मेंटेन करने के लिए हमको ट्रेकियोस्टियोमी करना होगा। हमें अपना SpO2 लेवल और सारा चीज़ का लेवल हमको सही रखने के लिए ट्रेकियोस्टियोमी करना होगा। बायलेटरल वोकल कोड पैरालिसिस, वोकल कोड का अगर पैरालिसिस हो गया तो उस कंडीशन में भी हम लोग ट्रेकियोस्टियोमी करते हैं। अनकॉन्शियस एंड पैरालाइज्ड पेशेंट, अनकॉन्शियस और पैरालाइज्ड पेशेंट कभी कभी उसका खुद से सांस नहीं ले पाता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, कई बार उसका नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो जाने के कारण वो सांस लेने में नहीं सक्षम हो पाता है तो उसको भी ट्रेकियोस्टियोमी करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ एस्पिरेशन निमोनिया को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग ट्रेकियोस्टियोमी करते हैं। एस्पिरेशन निमोनिया का मतलब हुआ द इन्फेक्शियस पल्मोनरी प्रोसेस डैट अकर्स आफ्टर एबनॉर्मल एंट्री ऑफ फ्लूइड्स इनटू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है। उसके बाद है प्रोसीड्योर, प्रोसीड्योर में हम कैसे करते हैं इस ट्रेकियोस्टियोमी, मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक को मेंटेन करते हुए परफॉर्म इन ओटी रूम में हम लोग प्रोसीड्योर करते हैं। ए सर्जिकल ड्रेनेज इज मेड बिटवीन द सेकेंड एंड थर्ड ट्रैकियल रिंग। हमारा जो ट्रैकियल रिंग होता है, ट्रैकियल रिंग इस तरह से जो होता है उसमें सेकेंड और थर्ड के बीच में हम लोग ओपनिंग करते हैं आफ्टर एक्सपोजर ऑफ ट्रैकिया। ट्रैकिया को एक्सपोज करने के बाद एक कप ट्रेकियोस्टियोमी ट्यूब इज इंसर्टेड, एक कप ट्रेकियोस्टियोमी हम लोग इंसर्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग इस फोटो में देख सकते हैं किस तरह से इसको कफ, ये हो गया इस ट्रेकियोस्टियोमी, ये हमारा हो गया, ये हमारा ट्रेकियोस्टियोमी ट्यूब हो गया, ट्रेकियोस्टियोमी ट्यूब में ये हमारा कफ हो गया। इस कफ को बाद में पहले इसको मतलब डाल करके फिर उसको एस्पिरेट कर दिया जाता है, कफ को कफ से फिक्स कर दिया जाता है। द ट्यूब इज हेल्ड इन प्लेस बाई ट्रैप्स फेस्टिनेटेड अराउंड द पेशेंट नेक। ट्यूब को क्या करना है, फिक्स कर देना है टैप से, पेशेंट के नेक में अच्छे से फिक्स कर देना है पेशेंट को। ए स्क्वायर ऑफ स्टराइल गॉज इज प्लेस्ड बिटवीन द ट्यूब एंड द स्किन, एब्जॉर्ब ड्रेनेज एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। हमें ट्रेकियोस्टियोमी ट्यूब के अराउंड स्क्वायर गॉज को प्लेस कर देना है, जिस तरह से आप इस फिगर में देख सकते हैं किस तरह से इसमें डाला गया है, एक स्क्वायर गॉज को बीच से कट करके और इसको यहाँ पे ये हमारा गॉज हो गया, इसको बीच से कट करके इन्फेक्शन को कम करने के लिए, और इस गॉज को बार बार चेंज भी करना होता है ताकि इन्फेक्शन का चांस कम हो, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लिकेशन क्या सब होते हैं इसमें। ब्लीडिंग होने लगते हैं, इस ट्रेकियोस्टियोमी तो कर देते हैं लेकिन उसके बाद हमें क्या सब कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकता है बार बार, एस्पिरेशन क्या हुआ, ए कंडीशन इन विच फूड लिक्विड सलाइवा और वॉमिट इज ब्रीथ इनटू द एयरवेज। इसमें क्या होता है कि गले से जो भी निकलता है, विंड पाइप से जो भी निकलता है वो फूड पाइप में जाता है, चले जाने का खतरा, या फूड पाइप का कंटेंट विंड पाइप में जाने का खतरा रहता है। उसके बाद एयर एम्बोलिज्म, एयर एम्बोलिज्म कहने का मतलब हुआ कि
उसके थ्रू कोई भी हमारे ब्रेन में एयर चले जाएगा और जिसके कारण क्या हो जाएगा, वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। उसके बाद न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स का भी खतरा होता है। न्यूमोथोरेक्स का मतलब हुआ एक कोलैप्स्ड लंग, लंग जो है हमारा पिचक जाएगा, लंग हमारा पिचक जाएगा, उसको कोलैप्स्ड लंग बोलेंगे। अगर लंग से बाहर हवा चल जाएगा तो वो हवा भी इस लंग पे प्रेशर डालेगा और वो कोलैप्स कर जाएगा। पोस्टेरियर ट्रैकियल वाल निमोनिया, पोस्टेरियर ट्रैकियल वाल पेनिट्रेशन। अब जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये बार बार इस वॉल पे पेनिट्रेट करते रहेगा। ये पोस्टेरियर वॉल हो गया, इस वॉल पे पेनिट्रेशन तो होगा ही, क्योंकि ये आगे की ओर, ये पोस्टेरियर वॉल पे एक तरह से पोस्टेरियर वॉल पे फोर्स जनरेट करेगा। आगे देखते हैं, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन का भी चांस रहेगा। हम अगर डायरेक्ट ये कर रहे हैं, ट्रेकियोस्टोमी कर रहे हैं, तो इन्फेक्शन तो होने का चांस बना ही है। उसके बाद है ट्रेकियल डायलेशन, ट्रेकियल डायलेशन हो जाएगा चूँकि हम लोग और इसमें अलग से कफ वाला डाल रहे हैं ट्रेकियोस्टियोमी, तो कफ जो फूलेगा तो वो इसको डायलेट तो करेगा। आगे है ट्रेकियल इशीमिया एंड नेक्रोसिस। इशीमिया का मतलब हो गया रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो, रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो होगा क्योंकि ये कफ कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, इसीलिए ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा। और नेक्रोसिस, नेक्रोसिस भी होगा क्योंकि वो फोर्स जनरेट कर रहा है, ये कफ यहाँ पे फोर्स जनरेट कर रहा है, ये कफ यहाँ पे फोर्स जनरेट करेगा जिसके कारण जो है यहाँ नेक्रोसिस होने का खतरा तो होगा। और इस्कीमिया भी होता होगा, ब्लड फ्लो में रुकावट भी होगा क्योंकि एक्सटर्नल चीज़ हम। उसके बाद है ट्रैकियोमलेशिया, ट्रैकियोमलेशिया का मतलब हो गया कि हमारा जो है वॉल ऑफ द ट्रैकिया आर फ्लैपी, हमारा वॉल जो है ट्रैकिया का वो फ्लैपी हो जाएगा। फ्लैपी का मतलब वो उसमें खुद का इंटेंसिटी घट जाएगा और वो चिपक भी सकता है या फिर वो कभी बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाएगा, इस तरह का कंडीशन आ जाएगा। उसके बाद है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट, ट्रेकियोस्टियोमी के बाद हम लोग और उससे पहले क्या नर्सिंग मैनेजमेंट करते हैं, टू कीप एयर वे क्लीन एंड वेट। हमें एयर वे को क्या करके रखना है, एयर वे को हमेशा क्लीन करके रखना है। और कैसे उसको रखेंगे, एयर वे को क्लीन और वेट, उसका हम लोग को दिया हुआ आगे, प्रोवाइड फॉलर्स पोजीशन, हमेशा पेशेंट को फॉलर्स पोजीशन में लेटा करके रखना है। फॉलर्स पोजीशन जो है वो जिसमें कि हम लोग सुपाइन पोजीशन में लेटते हैं और पैर थोड़ा सा बेंट होता है, उसको फॉलर्स पोजीशन कहते हैं। और इनकरेज टू एक्सपेक्टोरेट स्पूटम, हमें पेशेंट को इनकरेज करना है कि हमेशा स्पूटम जो भी उसके गले में रहता है, जो भी उसका खड़ास रहता है, उसको हमेशा निकालते रहना है। प्रोवाइड सेक्शन टू रिमूव एक्सेस सेक्रेशन, अगर ट्रेकियोस्टोमी के बाद या फिर उससे पहले सेक्रेशन ज़्यादा हो रहे हैं और ज़्यादा स्पूटम वगैरह फ्लूइड वगैरह बन रहे हैं तो उसको हमने सक्शन करके निकालते रहना है। प्रोवाइड स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन देना है, भाप उसको भाप दिलवाना है पेशेंट को ताकि उसको पेन वगैरह हो, इन्फ्लामेशन वगैरह हो तो उसमें थोड़ा सा भाप रिलीफ देता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा टू कीप रूम एयर प्योर, हमें हम जो है जिस रूम में पेशेंट है उसको हमेशा क्या करके रखना है, क्लीन करके रखना है। प्योर एयर वाला रूम होना चाहिए, धूल गंदा वाला रूम नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो क्योंकि हमारा एयर डायरेक्ट जो है ट्रैकिया के थ्रू लंग्स में जा रहा है और मैक्सिमम प्यूरिफिकेशन डस्ट वगैरह का नोज़ में होता है, नोज़ से तो ऑक्सीजन जा नहीं रहा है तो उसका प्यूरिफिकेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं हमारे लंग्स में इफ़ेक्ट करेगा। इसीलिए हमें क्या करना है, रूम में प्योर एयर वाला रूम में पेशेंट को रखना है। अवॉइड स्मोकिंग द पेशेंट्स रूम, पेशेंट के रूम में हमें स्मोकिंग वगैरह नहीं करना है। कीप द विंडो ओपन, विंडो ओपन रखना है ताकि अच्छी हवा आ सके, ताज़ी हवा आ सके। कवर द ट्रैकियोस्टोमी वाइल प्रोवाइडिंग बोथ, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब को अगर डस्ट वगैरह हो तो हमें कवर करके रखना है टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। उसके बाद है नर्स मैनेजमेंट में हमें क्या सब आगे क्या करना है, इन्फेक्शन से हमको प्रिवेंट करना है। इन्फेक्शन से कैसे प्रिवेंट होगा, तो उसके लिए करना होगा क्लीन द सराउंडिंग साइट विथ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, हमें जो साइट है
उसके सराउंडिंग क्या करना है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करते रहना है, ड्रेसिंग कर बदलते रहना है वाइल प्रोवाइडिंग केयर, यूज़ ग्लव्स, और ग्लव्स का इस्तेमाल करके हमें ये सारा काम करना है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करना है। चेंज ड्रेसिंग फ्रीक्वेंटली, ड्रेसिंग को हमें फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहना है। टू प्रिवेंट फॉरेन बॉडी इन एयरवे, एयरवे में फॉरेन बॉडी को एडमिनिस्टर होने से रोकना है, ठीक है। एडमिनिस्टर आईवी फ्लूड का एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, आईवी फ्लूड देंगे पेशेंट को। प्रोवाइड ओरल फ्लूड देंगे पेशेंट को ताकि उसे कोई दिक्कत नहीं हो। वाइल प्रोवाइडिंग मील, प्रोवाइडिंग सिटिंग पोजीशन, मील देने के टाइम पे उसको भोजन कराने के टाइम पे उसको सिटिंग पोजीशन बैठा करके भोजन कराएंगे, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं फोटो को। ये ट्रेकियोस्टियोमी ट्यूब इंसर्शन, जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसका कफ है, इधर से बलून को इन्फ्लेट किया जाता है। ये इसका ड्रेसिंग है, ट्रेकियोस्टियोमी ट्यूब का ड्रेसिंग हो गया। इस तरह से हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है, इसको आप लोग रिवीजन कर ले, एक बार अच्छे से देख ले, एक बार देखने के बाद आप लोगों को दिमाग में बैठ जाएगा और आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम में लिख पाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।